हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सुनील एंड यू आर वाचिंग टूर ऑन व्हील्स। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है, अभी दो दिन पहले मैंने अमेजोन से एक पैकेट ऑर्डर किया था, आज वो मेरे को पैकेट फाइनली डिलीवर हो गया है। अब वो पैकेट क्या है आज का वीडियो उसी के बारे में है। वैसे तो मैंने उसको अनबॉक्स कर दिया है, लेकिन एक बार आप लोगों के लिए फिर से करते हैं उसको अनबॉक्स। तो दोस्तों ये है वो पैकेट तो दोस्तों ये है वो पैकेट जो कि मेरे को आज अमेजोन से डिलीवर हुआ है। अब ये है क्या, तो शायद आपको इसको बॉक्स देख करके आपको शायद लग गया होगा कि ये है क्या, अंदाजा हो गया होगा। ये है कार्चर कंपनी का हाई प्रेशर क्लीनर। आपके घर में जो टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है उसको क्लीन करने के काम आता है, बेसिकली वॉशिंग करने वाली मशीन है। तो अब इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कंपनी ने दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें सबसे पहले मेरे को दो अटैचमेंट्स मिलते हैं जो कि पानी का आउटफ्लो करने में हेल्प करते हैं। ये आपको दो दिख रही है, तो ये दोनों सेपरेट हैं। इनका कैसे जो यूज होने वाला है वो मैं भी आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। इसके बाद है ये गन, जिससे कि वाटर का जो पूरा आउटफ्लो होता है वो होगा। इसको भी रख देते हैं साइड में। तो अब जो मेरा मेन पार्ट है वो है मेरा मशीन। मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ। मशीन से पहले मैं आपको ये वाला पाइप दिखाता हूँ। ये पानी के आउटफ्लो के लिए है ये पाइप। इसको भी साइड रख देते हैं। तो ये है इसका मेन चीज, इस पूरे बॉक्स का जो मेन पार्ट है वो यही है। ये है मशीन कार्चर कंपनी का। आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही होगी, येलो मैट फिनिश है पूरा का पूरा। इसका अगर मैं वेट की बात करूँ तो अराउंड 6 केजी इसका वेट होगा। और जिसका वायर है आई थिंक अप्रोक्स 5 मीटर इसका वायर कम से कम है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है इसका ऑन ऑफ बटन, और इसमें यहाँ पे दो स्लॉट दिए हुए हैं, जैसे कि एक आपको यहाँ पे दिख रहा है और सेकेंडली एक यहाँ पे है। तो एक है वाटर इन के लिए और एक है वाटर आउट करने के लिए। और इसके अलावा एक हैंडल बार है जो कि इस पे ऊपर यहाँ पे ऐसे फिट होता है, ये ऐसे करके फिट हो गया। तो ये बिल्कुल हैंडी है, आप इसको से कहीं भी लेके भी जा सकते हैं। तो अब इसको पूरा का पूरा फिक्स करके देखते हैं कि पूरा कैसे असेंबल होता है। उसके बाद चलेंगे बाहर। जो मेरी बाइक है FZ150 काफी दिनों से गंदी हो रखी है। FZ250 को मैंने दो दिन पहले ही वॉश कर लिया था। तो अब पूरा इसको करते हैं असेंबल। तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट इसमें यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ये ऐसे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, इसके बाद जो ये दूसरा पार्ट है येलो कलर का, ये इसके ऊपर ऐसे सिंपली लग जाएगा। तो ये बेसिकली है क्या कि जो आपके घर के बाहर जो टैब होगी ये यहाँ पे आ जाएगी, इस पाइप के थ्रू यहाँ पे फिट हो जाएगी। अब जैसे मेरे पास घर के बाहर टैब नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक बकेट का यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने, ये मेरे पास एक घर पे एक्सटर्नल पाइप था, तो मैंने इसमें क्या करना है कि एक जो पाइप है इसका एक साइड का जो स्लॉट है वो मैंने ऐसे सिंपली यहाँ पे लगा देना है। और जो ये दूसरे वाला स्लॉट है ये मेरे को डालना है बकेट के अंदर। इसके बाद जो ये गन है ये आपको दिख रही होगी, सबसे पहले इसमें मेरे को क्या करना है कि जो मेरा वाटर आउटफ्लो वाला पाइप था ये मेरे को इसमें अंदर ऐसे अटैच करना है। मेरे को सिंपली करना क्या है कि मेरे को ये जो गन है इसमें ये जो दो अटैचमेंट है इनका मैं आपको यूज बता देता हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ पे कर लेते हैं फिक्स। अब ये फिक्स कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट ये अंदर ऐसे पुश करना है और ऐसे करना है रोटेट, ये हो गया है फिक्स। अब इसका क्या यूज है, ये बेसिकली नैरो एंगल है लाइक सीधा स्पॉट। जो दूसरे वाला है इसका थोड़ा एंगल वाइड है। तो आपको अगर शैम्पू वगैरह यूज करना है तो वो स्प्रे से होगा, तो ये उस केसेस में ये वाला काम आता है। तो ज्यादातर यूज यही होता है। तो अब बस चलते हैं बाहर और करते हैं बाइक को वॉश। तो दोस्तों मेरा सेटअप रेडी हो चुका है। अब पहले जो भी डस्ट है पहले वो सारा निकाल देते हैं। तो ये जो हाई प्रेशर वाला इसकी अटैचमेंट है इससे निकालते हैं पहले। तो मिट्टी ऑलमोस्ट निकल गई है। अब बाइक पे थोड़ा सा शैम्पू करते हैं।
तो शैम्पू भी डन, अब है टाइम फाइनल वॉश का। तो इसको अगेन करते हैं चेंज, क्योंकि जो दूसरे वाला इसका अटैचमेंट है वो प्रेशर के लिए होता है, और अब जैसे शैम्पू मेरे को निकालना है पूरा, तो उसमें प्रेशर वाला यूज़ होगा। तो अब करते हैं इसको स्विच। तो बाइक मेरी पूरी वॉश हो चुकी है, अब टाइम है वीडियो को रैप अप करने का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यार ये 6000 रुपये की मशीन है, ज़्यादा महंगी है नहीं। मेरा मेन पर्पज़ जो था मंगाने का वो ये था कि बाहर जैसे हम बाइक वॉश कराते हैं तो वो खारे पानी से वॉश करते हैं, बट मेरे को मीठे पानी से वॉश करना था, इसलिए मैंने ये लिया। तो इससे आप बाइक क्या, आप अपना 2-व्हीलर हो गया, 4-व्हीलर हो गया, या एसी की सर्विस करनी है तो उस टाइम भी आपको काफ़ी हाई प्रेशर वाला पानी चाहिए होता है, तो ये यूज़फुल मशीन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी राइड, सेफ राइड।